जापानी इंसेफेलाइटिस व अन्य संचारी रोगों से बचाव व लोगों को जागरूक करने के लिए 1 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन ने बताया कि जेई एईएस से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के पहल पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभाग अपनी सहभागिता निभाएंगे। जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में इंसेफेलाइटिस पर काफी काबू पाया जा सका है। डीएम ने कहा कि अगर 18 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को बुखार है तो उसे झोला छाप डॉक्टर के पास कतई ना ले जाएं, उसके लिए 102 या 108 नंबर के एम्बुलेंस का सहयोग लेकर अस्पताल पहुंचाएं, जिससे उसका उचित इलाज हो सके। जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन ने लोगों से अपील किया कि प्रशासन का सहयोग करें, जिससे एक भी व्यक्ति की मौत इंसेफेलाइटिस से ना हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन ने कहा, आप जानते हैं गोरखपुर और बस्ती दोनों मंडल हमेशा जापानी इंसेफेलाइटिस और एईएस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित था। 2 साल पहले यहाँ का बहुत सारे बच्चे के मौतें होती थी। अब पिछले 2 साल से काफ़ी अभियान चला करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काफ़ी तक हम लोग कंट्रोल कर दिए। करीब 90% उसका गिरावट हुआ है और पिछले साल भी ना के बराबर केसेस रिपोर्ट हुई है। इस साल हम लोग एक अभियान चला रहे हैं ताकि एक भी केस जेई एईएस का यहाँ रिपोर्ट ना हो जाए। उसी के तौर से 1 जुलाई से वैसे दस्तक अभियान कहते हैं हम लोग, इस पर लगभग 50-60 विभाग मिलकर हम लोग काम करते हैं। इस पर जो सभी विभाग अपने अपने भूमिका निभाना होता है, मान लीजिए तो स्वास्थ्य विभाग का तो भूमिका तो अहम रहता है, खासतौर पे जो टीकाकरण लगना है जेई के खिलाफ, और जो कहाँ जगह जगह जा करके जागरूक करना है, प्रचार प्रसार करना, ट्रेनिंग कराना है। दूसरा पंचायत राज विभाग का बहुत अहम भूमिका रहता है सफाई के लेते हुए। उसका हम लोग 244 गांव हैं हाई रिस्क विलेजेस कहते हैं उसको, कहाँ जो जेईई का प्रकोष ज़्यादा है उसी के अगेंस्ट हम लोग तो लगातार अभियान चलाते हैं सफाई का और जागरूकता का। और ODF भी उसका ही परिणाम है, उसी का फ़ायदा हम लोग को मिला है। फिर ये मछली पालन विभाग को भी वो उस पर काम करना होता है। गंबुजिया मछली होता है, उसको हर जगह हम लोग तालाब में डालते हैं ताकि लार्वासाइड के रूप से वो काम करता है, लावा का खा जाता है। और यहाँ कृषि विभाग का भी काम होता है ताकि स्क्रिप टाइफस एक टाइप का वायरस है, उसी की वजह ये बीमारी फैलने के लिए आशंका होता है। उसी का जो चूहा मरवाने के लिए उन लोग अलग दवा देते हैं और किसान को भी समझाते हैं कैसे करना है। और सुअर पालक को भी अलग हम लोग सैंपल ले करके जो उसका सुअर का यदि इंसेफेलाइटिस होता है उसका जांच के लिए भेजते हैं, उस पर यदि रिजल्ट निकलता है उसका अलग क्लिंग करना होता है, वो तो हमारा पशुपालन विभाग करेगा। इसी टाइप का हर विभाग का भूमिका होता है और मिलकर हम लोग लड़ते हैं। और बेसिक 2 मुद्दे पर हम लोग को फोकस रहता है। इस समय में 18 साल के नीचे जो भी बच्चे बीमार हो जाते हैं उनका किसी झोला छाप कहीं जा करके उपचार नहीं करना है, सीधे तुरंत किसी न किसी सरकारी अस्पताल में लेके आना है। इसके लिए 102 108 एम्बुलेंस 24 घंटे काम करेगा। आपसे मेरा अनुरोध है इतने से हमें सहयोग करें। इस समय में, इस कार्यकाल में, यानी जो मानसून के समय में किसी भी बच्चे का बुखार चढ़ता है उसका अनावश्यक तौर से आप इलाज शुरू मत करें और किसी आसपास झोला छाप से मत लेके जाइए, सीधे सरकारी अस्पताल लेके आइएगा। उसका लक्षण से हम लोग को पता चलता है वो जेईई से पीड़ित है क्या और अन्य बीमारी से पीड़ित है। इस समय में कोरोना का भी संकट चल रहा है, इसलिए तो अपने दिमाग मत लगाइए, बस 24 घंटे के अंदर आसपास सरकारी नज़दीकी केंद्र पर आ जाइए। उसको 2 दवाएँ होता है, डॉक्सीसाइक्लिन और अमोक्सिलिन, वो हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में है। देने के बाद कोरोना भी है और ये भी है, दोनों नियंत्रण में आ जाता है। और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, इस समय में जनता का जागरूक और मीडिया का सहयोग हमें इसी अभियान सफल कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल हम एक लक्ष्य लेके जा रहे हैं, एक भी बच्चे का इसी बीमारी से मरने नहीं देना है। और सब मिलके हम करेंगे तो फिर गोरखपुर से ये जेईईएस का जो निशानी है ये पूरा मिट जाएगा।